हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी बैगन के भरते की। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पे आए हो नए तो मेक से और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग मेरी फैमिली हो गाइस, आप लोग चाहते हो ना आगे बढ़ूँ, इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि दी आप आगे बढ़ो, मैं डेली आपकी वीडियो देखती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक बार तो हमें मौका दीजिए, हम भी तो डेली वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, और पता नहीं क्यों चैनल बूस्ट नहीं कर रहा है। हर किसी का चैनल 2 साल में 2.5 साल में बूस्ट करता है, बट अभी के लिए हमारा नहीं करा है। बट कहते हैं ना, किस्मत रंग लाती है, जो सोना पकता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी एकदम पोला नहीं होता। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, जो मैंने बैंगन थे उनको भून लिया था, टमाटर को भून लिया था, तो आज मैं स्पेशल तरीके से बैंगन के भरता बनाऊँगी। और ये मुझे अभी मेरी एक गली में लड़की रहती है, वो बता कर गई है कि चाची आप इस तरीके से बनाया करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बस यहाँ पर देखिए, मैं बना रही हूँ, तो मैंने बैगन को भून लिया था, टमाटर को, और टमाटर को मैंने इसको सिल पर पीसा है। चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हो, बट सिल का टेस्ट अलग होता है, सिल पे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो, चटनी सिल की पिसी हुई बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए, टाइम नहीं है तो आप मिक्सी में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक हरी मिर्च, जिसको भी भून लिया था मैंने, टमाटर और मैंने बैगन लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, इसमें आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, और जो भी चीज़ आप लोग खाते हैं वो चीज़ सब आप लोग इसमें ऐड करिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा खाने में यमी भी लगता है। मैंने खाया था, बस मेरे से एक गलती हो गई थी कि मिर्च है ना, मेरे से थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी। आप मिर्च का ध्यान रखना, अगर आपने हरी मिर्च यूज़ करी है तो रेड चिली पाउडर थोड़ा कम यूज़ करना, और उसके बाद आप लोग खटाई थोड़ी ज़्यादा यूज़ करना, और कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हो। सो सारा खाना पीना बन गया है, सबने खा लिया है, दियो ट्यूशन जा चुकी है, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं रात में बिना रूम की क्लीनिंग करे नहीं सोती हूँ, सो बस मैं यहाँ पर वही क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये रूम फ्रेशनर मैंने मंगाए हैं, और इसकी भी वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वैसे मैंने इसमें से यूज़ कर लिया है एक, जो मेरे पर्दे पर डला हुआ है, और भी यूज़ कर लिए हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा मैंने कैसे कैसे कहाँ का यूज़ करे थे। तो ये रिव्यू के लिए आए हैं, और मैं आपको बता दूं, देखें मेरे पास कुछ नहीं, एक सब्सक्राइबर है, एक ही है। जब भी मैं वीडियो कोई स्पॉन्सर बनाती हूँ मेकअप की या किसी की, तो वो हमेशा कमेंट करते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है बट मेकअप के लिए देखो कितना पैसा है। तो एक बात बता दूँ, मैं मेकअप कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पास आता है, और मैंने 1000 बार बताया है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं, आप लोग मुझे बताइए, क्या मैंने आप लोग को नहीं बताया कि ये स्पॉन्सर का आता है मेरे पास? मैं बताती हूँ, लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं वो उस वीडियो में नहीं बताने देते हैं कि ये बताना नहीं, वो खुद बोलते हैं ये बोलना कि मंगाया है, तो हमें ये बोलना पड़ता है। दूसरा नंबर देखिए, आती हुई लक्ष्मी कोई भी नहीं ठुकरा सकता, यदि उसके पास कोई सामान आ रहा है तो वो क्यों मना करेगा? देखिए, मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर कोई भी इंसान आया है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। ये सिर्फ़ एक वो होता है कि हमारा घर YouTube से नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो लोग ऐड क्यों लगाते? चाहे हम लोग किसी का रोस्ट कर रहे हैं, चाहे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी बड़े यूट्यूबर का भी नाम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, और उसके साथ हमारा चैनल सजेशन में आए, और उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो हमें देखें, और शायद हम लोगों का चैनल बूस्ट कर जाए, इस तरीके से करते हैं। जो भी इंसान ये बोलता है कि हमारा घर YouTube से नहीं चलता, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। अगर घर नहीं चलता, लेकिन सपोर्ट तो ज़रूर होता है, पैसा ज़रूर आता है, और पैसा सब
सबके पास आता है। यूट्यूब कभी भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सभी सभी लोग बराबर होते हैं। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर जो इंसान ये कहता है ना कि आप मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता, मैंने एडसेंस नहीं लगाया है, मैंने अपना वेरिफिकेशन नहीं करा है, तो एक बात बता दूँ, अगर वो इंसान ऐसा कह रहा है तो उससे ये बोलो कि आप मोनिटाइज मत करो वीडियो को, आप अपने चैनल को डिमोनिटाइजेशन ही रहने दो। क्यों डिमोनिटाइज करते हो अगर आपको उसके पैसों से मतलब नहीं है, तो मोनिटाइज मत करो और उस तो वीडियो को भी मोनिटाइज मत करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, आप लोगों को इस तरीके से होता है। तो बस आप लोग अपने सतर्क रहिए। देखिए, ये झूठ बोलने, ये यूट्यूब है या कोई भी चीज़ है, हर जगह झूठ चलता है और झूठ से ही सब कुछ होता है और सब बात सच नहीं बताई जा सकती। ये बात भी सच है, सोशल मीडिया है तो यहाँ पर सारी बातें सच नहीं बताई जा सकती गाइज, तो इस बात को आप समझा करिए। और देखिए, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और मैंने यहाँ पर सारी बात क्लियर कर दी है आप लोगों के साथ। और यहाँ पर देखिए, अम्मा बैठ गई हैं और मैं यहाँ पर दीयू के साथ मतलब फली जो थी वो काफ़ी टाइम लगता है उसको कट करने में, तो मैं यहाँ पर वही कट कर रही हूँ। और अभी हमने ब्रेकफास्ट करा है, आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। और ये पीछे पिंक कलर का जो टैडी है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिला था, ये मुझे याद नहीं दिशा ने दिया था, प्रीति ने, किसी ने तो दिया ही था। और यहाँ पर देखिए, मैं और जो भाभी का बड़ा बेटा है उसे खसरा निकला है, काफ़ी बीमार है, तो देखिए बाहर चादर ओढ़ के लेटा हुआ है। और यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ, यहाँ पर मैं दीयू के टॉयज़ को सजाने के लिए आई हूँ। और इतने में ही कोई आ जाता है, गेट खटखटाता है, तो फिर मैं उसको गेट खोलने के लिए चली जाती हूँ यहाँ पर दीयू को। वैसे मैं दीयू खेलना चाह रही थी टॉयज़ से, तो मैं वही सेट कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर, और फिर मैं उसके बाद देखिए कौन आया है, सरप्राइज़ है। तो यहाँ पर आई है प्रीति, वैसे तो मैं सोच रही थी कि दिशा आई होगी, बट यहाँ पर प्रीति आई है। और एक्चुअली में क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है 10,000 का। क्यों हुआ है कि प्रीति के पास जो फ़ोन था, मतलब कि जो पहला फ़ोन था जिसको उसको बर्थडे में उसके चाचा ने गिफ्ट करा था, 10-12 हज़ार का था, सैमसंग J2 था, शायद सैमसंग J2 था J7 था, पता नहीं क्यों था, 10-12 हज़ार वाला फ़ोन था, वो उसके घर से चोरी हो गया है नौमी वाले दिन। आप लोगों को पता ही है कि नौमी वाले दिन क्या हुआ था, कि प्रीति काफ़ी बिजी थी इसलिए उसने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई थी सेकंड चैनल के लिए। और अभी तक आपने सेकंड चैनल को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बेटी और बेटे में भेदभाव वाली वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है आज के काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। कई लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता, बहन जरा घर से बाहर निकल कर देखो, बहुत करते हैं, ये ही नहीं गाँव में ही नहीं सिटियों में भी करते हैं। ये मत सोचिएगा सिर्फ गाँव में करते हैं, सिटी में भी करते हैं बेटा बेटी में भेदभाव। बहुत ही कम लोग हैं, अभी भी मैं बोलूँगी बहुत कम लोग हैं जो नहीं करते हैं। आप लोगों को मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो एक बार आप सत्यमेव जयते की स्टोरी देख लेना, वहाँ पर वो लड़कियों ने जो कि ऑलरेडी उनके हस्बैंड काफ़ी एजुकेटेड थे, उनके साथ लड़का लड़की में भेदभाव होता था। तो आप लोग बहस कर लेते हो लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी ले लिया करो। अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। और कल एक कमेंट और आया था कि दी आप ये मतलब दी नहीं आप ये बोलना चाह रही हो जो बच्चे तुतलाते हैं वो ठीक नहीं होते, ये कमेंट शायद स्पैम चला गया है, मेरे पास सिर्फ नोटिफिकेशन आया फिर शायद उन्होंने डिलीट कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो मैं बता दूँ, कोई भी बच्चा कैसा भी हो, और बच्चे नहीं तुतलाएंगे तो क्या हम तुतलाएंगे, हम तो नहीं तुतलाएंगे ना, बच्चे की भाषा ही वो अच्छी होती है और वो भाषा उनके मुंह से अच्छी भी लगती है। और बच्चे कोई गंदे नहीं होते, सब बच्चे अच्छे होते और दिल के सच्चे होते, एकदम कांच ऐसा होता है, कोई बच्चा गंदा नहीं होता। ये मैंने परसों की वीडियो में भी बोला था कि बच्चे सभी अच्छे होते हैं चाहे कोई भी हो, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा देख लिया करिए। मैं दिया से ये बोली थी, बेटा गंदे बच्चे होते हैं ना, इस तरीके से बच्चे को एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि बच्चे वो गलत काम ना करे। बच्चे से बोलते ना, बाबू तुम गंदे हो जाओगे, ये काम मत करो, बाबू तुम ये काम मत करो, गंदे हो जाओगे। और ये बात मैं ही नहीं, तुम भी बोलती होंगी अपनी रियल लाइफ में, तो प्लीज़ दूसरों को जो सजेशन देते हो ना, वो सजेशन है ना, अपने ऊपर भी लागू करो। मेरे लिए सारे बच्चे सेम है, सारे बच्चे अच्छे होते, किसी भी बच्चे के अंदर छल कपट नहीं होता, वो एकदम साफ और क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रीति भाभी से बात कर रही है, अम्मा से बात कर रही है, बता रही है कि नौमी वाले दिन चोरी हुआ है फोन और अचानक से क्या हो गया, तो आप उसके ओरिजिनल बातें ही सुन लीजिए।
गाइस बस थोड़ी सी बात मैं सुना पाई क्योंकि मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ और मैं बता रही हूँ क्योंकि देखिए कुछ बातें होती हैं नहीं बताई जाती हैं, तो बस यही मैं सुना रही हूँ कि वो बहुत परेशान है, उसका जो फ़ोन है वो घर से ही निकला है और रिलेशन में ही निकला है, तो बस यही मैं बोलूँगी। देखिए कोई भी इंसान, हम किसी पर भी भरोसा करते हैं, अब मैं हूँ, मैं प्रीति के यहाँ रोज़ जाती हूँ, मतलब रोज़ ऐसा ही जाती हूँ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से काम पड़ता है, ज़्यादातर प्रीति मेरे यहाँ या मैं उसके यहाँ ही रहते हैं हम लोग, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा रहते हैं, आए दिन हम लोग उसके यहाँ, वो हमारे यहाँ, इस तरीके से रहती है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, यदि कोई किस्मत में हमारी चीज़ लिखी है तो देखिए हमें मिल जाएगी, और नहीं लिखी तो हमें नहीं मिलेगी, बट किसी का चोरी करके और हम इस तरीके से काम करें ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि तो इंसान एक एक पैसा जोड़ कर देखिए, हमको इतनी हाईफाई सोसाइटी से, हाईफाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, 10-10 हज़ार का फ़ोन रोज़ ले लेंगे, तो इस तरीके से बिल्कुल गलत काम मत करिए, ये तो आप लोगों से भी बोलूँगी बिल्कुल मत करिए। संडे को मैं भी जा रही घर पर, तो इसने काम बता दो, उसने लगा कि तू अभी अच्छा तो गई नहीं, तो उसने मायके गई अपने, इसके घर में ही वीडियो क्यों नहीं है, तो इसी गई नहीं क्या वीडियो शूट कर रही थी, हां इसी ने कह रही सुबह, तो उसने मना कर आज की कॉल आ रही थी, तो मैं इधर ही आ गई थी, निकल नहीं हुआ, तभी तो ये वीडियो बनाई नहीं, तो जे भी आती हां तभी तो नहीं आ भाई, वो तो पूरे टाइम ये देखते रहे फोन 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 मिला ही नहीं, फोन रात को ना गुस्सा के बाद तेरा फोन आया था ना, मिला था उसके दूसरी उसके बाद लिया है तूने, जियो नहीं वाला था, हम लोग वहाँ पे गए थे सोनाली गई थी, मैं भी थी, शाली चंचल गई थी, चार पांच जने गए ना, मजे बहुत आए थे आगरा, कल में चल रही है, कोरोना खत्म हो गया फिर चलेंगे, साई नहीं चलियो सही हो जाए तो हमें सही हो गई, एक बार फिर भी एक बार फिर और ढूंढूंगे, अभी सही तो हो गई, फिर भी दो बार ढूंढना तो सही रहता है, दो बार ही ढूंढना चाहिए, तो भी चलियो साई नहीं घूमी जा, तो थोड़ी देर ही है सुन लिया कि प्रीति कितनी परेशान है, और अब देखो अभी शायद भगवान मिल जाए, वैसे अभी तक तो मिला नहीं है, और यहाँ पर देखिए मैं दियू के टॉयज सजा रही हूँ, तो यहाँ पर सारी चप्पल्स वगैरह हटा दे रही हूँ, यहाँ पर मेरा जो पलंग है वो यहीं पे रखा होता है, क्योंकि रूम में तो रखना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को पता है जगह नहीं है, मैंने रूम कितने सामान को कैसे एडजस्ट कराया मैं ही जानती हूँ, मुझे मैसी रूम बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सेट और सुंदर सा लग रहा हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो फाइनली फिर मैंने इस तरीके से सेट करा है, आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों को प्यार रहा हो तो जल्दी ही मैं घर खरीद लूँगी, और फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें जरूर शेयर किया करूँगी गाइस, क्योंकि देखिए आप लोग जितना मुझे प्यार करते हो उतना मैं भी आप लोगों को उतना ही प्यार करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं ट्राईपॉड लगा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, ये मेरा बड़ा वाला ट्राईपॉड है, इसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, छोटे वाले से काम चला लेती हूँ, ये मैंने आगरा से लिया था, मैं भूल गई जगह का नाम, वहाँ पर मोबाइल वगैरह ही मिलती है, वहाँ पर सभी चीज़ ट्राईपॉड वगैरह, मोबाइल और स्टैंड वगैरह सब कुछ यही मिलते हैं, मोबाइलों की जगह है सुभाष बाज़ार तो कपड़ों का है, और चलिए फिर मैं बाद में बता दूंगी, वैसे जो लोग आगरा के हैं वो लोग मुझे बताइएगा कि जहाँ पर मोबाइल्स वगैरह एक्सेसरीज मिलती हैं वो क्या है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर पूरे मोबाइलों की ही दुकान है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो मैं बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है मेरा पता नहीं क्यों, और तो यहाँ पर वही मैं यहाँ पर टॉयज़ वगैरह सजा रही हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए दियू की गैस लगा दी मैंने दो, और ये देखिए भाभी का छोटा वाला बेटा है, ये आप लोगों से मुंह बना रहा है, और दिया से भी बोल रहा है मुंह बनाने को, दिया मना कर रही है, गंदी बात होती है भाई, गाइस है गाइस मना कर रही है, वो फिर भी ये मान रही है, देखिए जीभ दिखा रहा है, तो बच्चे होते हैं, ये भी 11-10 साल का, ये छोटा है, ये बहुत अच्छा है, भाभी यहीं पर खड़ी है मेरे पास, वो बता रही है देखिए दो दो गैस है, इसमें तो बटन भी है इस तरीके से, तो चलिए मैं
ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी कल न्यू